नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के प्रेसिडेंट होटल कॉन्फ्रेंस हॉल में विधायक विशाल कश्यप की एक पहल की कानपुर सेंट्रल कमेटी की स्थापना हुई और उन्हें शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में विरामना की राष्ट्रीय संस्थापक विशाल कश्यप उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि गोरक्षनाथ मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण शास्त्री ने शपथ पाठ कराई। विशाल कश्यप ने कहा कि विरामना भारत के हर राज्य में अपनी विस्तार कर रही है, पर खास करके उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपनी सशक्त कमेटी बना रही है। विरामना को सैनिटरी नैपकिन बनाती है और अपने सदस्य के माध्यम से उसको गाँव गाँव तक पहुँचाती है। विरांगना ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक लेटर बॉक्स की शुरुआत की है, जिसे हर शहर में लगाया जा रहा है और इस मुहिम में महिला आयोग और प्रशासन की भरपूर मदद भी मिल रही है। आज जिन सदस्य को शपथ दिलाया गया उनमें मुख्य रूप से जनरल सेक्रेटरी सिमरन कौर गिल, मीडिया प्रभारी साक्षी सिंह, प्रतिमा गुप्ता, शोभा गुलाटी, प्रीति शुक्ला, गीता पांडे, रचना कपूर, खुशी झा, साक्षी शर्मा, निधि पटला, पूनम सिंह और शोभा कुशवाहा सहित तमाम महिलाएं शामिल रही। कार्यक्रम में करीबन 100 लोग शामिल हुए और कोविड के गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। अवेयरनेस मतलब सुरक्षा, शिक्षा, हर एजुकेशन के जिस मामले में भी मतलब कि विरांगना को होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर्पज़ से है। जैसे कि सैनिटरी नैपकिन से अवेयर कराना, दूसरी चीज़ पिंक लेटर बॉक्स का होना। पिंक लेटर बॉक्स वो चीज़ है जहाँ पे कहीं कोई भी लड़की कंप्लेंट डाल सकती है और उसका नेम नहीं आएगा और जो भी मतलब उनको प्रॉब्लम क्रिएट करा उनके सामने तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरी चीज़ उनकी ये है कि सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करना भी। बाकी क्लासेस भी चल रही हैं इसमें, जिसमें कि लड़कियों को अपने सेल्फ अवेयरनेस के लिए सिखाया जा रहा है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिखाया जा रहा है और ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग करती है हर लेडीज़ को। और इसका एक प्रूफ अभी रिसेंटली हुआ कि एक पार्लर की लेडीज़ भी हमारे यहाँ से ऐड हुई, उनको एक किसी पर्सन ने फॉलो किया, उस टाइम उनके माइंड में ये आया कि आई एम विरांगना मेम्बर और वो डरी नहीं और चलती रही। तो मतलब सिर्फ विरांगना नेम से इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये सोचे कि अगर ये फॉलो किया जाएगा पूरे कानपुर में, पूरे इंडिया में, तो कितनी अवेयरनेस आएगी और कितनी स्ट्रॉन्गनेस आएगी। पिंक लेटर बॉक्स लगाया आपने जी, ये कानपुर में कहाँ कहाँ पर मौजूद है और इसकी जो खास विशेषता है वो? पिंक लेटर बॉक्स यहाँ पे लगाया गया, अभी तो कोरोना काल में लगाया गया, ये अभी शुरुआत है। अब यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग यहाँ पे लगाना शुरू कर रहे हैं और कम से कम 2 लाख पूरी कानपुर में लगाई जाएगी। ये कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि मॉल के वॉशरूम में, पार्लर के वॉशरूम में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पे भी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, जिनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उनके नाम शो नहीं किए जाएंगे, वो एक लेटर डालेंगी अपने नेम का और बस उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। हाँ, खुद ही देखिए, आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई भी बदमाश हो तो एक लड़की को नहीं छेड़ता, वो कई लड़कियों को छेड़ता हूँ, तो वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि अपन कंप्लेन किसने की है, तो हम किस तरह से उनको ट्रीट करें। हमारे साथ वीरांगना के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुखिया हैं विशाल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो ये संस्था है आप कानपुर नगर में, ये अभी हालांकि हम लोग अभी जल्दी सुन रहे हैं, ये मतलब किन मुद्दों के लिए क्या ये संस्था और क्या विचार है इस पे आपके? एक्चुअली वीरांगना जो 3 सेक्टर में काम करता है, एक है वोमेन सेल्फ डिफेंस जिसके तहत पिंक लेटर बॉक्स दिया गया है ताकि पहले सेफ करो इनको, मारपीट बाद में, पहले सेफ्टी। दूसरा हो गया सेंटर नैपकिन का अवॉर्डेंस, आप लोगों ने देखा होगा सेंटर नैपकिन एक ऐसा चीज़ है जो पेडमेंट फिल्म आई तो लोगों को पता चला, फिर फिल्म चली गई तो लोग भूल जाते हैं। हम इसको कंटिन्यू मुहिम पर जारी रखना चाहते हैं, जगह जगह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जहाँ पे अवेयरनेस है नहीं लोग नैपकिन देख के आपको ढक लेते हैं और जहाँ पे जिसका कैपेसिटी है उसको हम बोल रहे हैं कि नैपकिन आराम से लीजिए और जगह भी जगह बांटने जाते हैं। ये 2 मुहिम, तीसरा मुहिम है हमारा मोटिवेशन देना उन लोगों को जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, बिकॉज अकेला कितना करेंगे, थक जाएंगे, तो जो संस्था इनके लिए काम कर रही है इनको मोटिवेट करो ताकि ये और अच्छे से काम करें। मोटिवेशन का तरीका है मेरा अवार्ड देना बॉलीवुड सेलिब्रिटी के थ्रू। पिंक लेटर है उसका क्या रोल है? पिंक लेटर बॉक्स का रोल है कि ये एक वार्निंग है कि आप लोग ये जो उनको छेड़खानी करते हो, उनको लेटर लिखते हो, रात को मैसेज करते हो, कुछ भी वो करना बंद कर दो, क्योंकि अब ये कंप्लेंट छुपके से आएगा, शिकायत करने का नाम किसी को पता नहीं चलेगा, हाँ वो गोपनीय रहेगा। हमारे पास सारे महिलाएं हैं, वो लोग निकालेंगे उसको, फिर हमारे पुलिस महिला आयोग सबके साथ हमारी बातचीत हुई है, उनके पास कंप्लेन लेके जाएंगे। अगर प्रशासन जो है विरांगना जो आपका संस्था अगर आपकी बात नहीं सुनता तो आगे आकर क्या करेंगे?
प्रशासन नहीं सुनता है उसमें हम नहीं जाएंगे, प्रशासन सुनेगा जब जेन्युइन चीज़ों लेकर के हम मूव करेंगे। हम उनसे भी सलाह करके ही काम शुरू किए हैं, अभी तो हम मैच खेल रहे हैं, नेट प्रैक्टिस हम एक साल पहले शुरू किए। आगे क्या विचार, आगे संस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे? संस्था तो आगे ऑलरेडी बढ़ रही है हर शहर में, नया कोई नया विचार या कुछ नया? अभी देखिए, अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गोल पे बिलीव करते हैं, हम लंबा नहीं करते, कल सुने का भी भरोसा नहीं होता हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट जो प्लान है, यहाँ पे कानपुर में बड़ा इवेंट आ रहा है 21 अगस्त को रिमिशन के साथ, जिसमें इस विषय में और डिस्कशन होगी और आपको खुलकर बताएंगे कि एक महीने के अंदर कितनी शिकायतें आई, और न्यूज़ पेपर में दिखेगा कि कितना एक्शन वीरांगना ने किया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बोल के फायदा। तो ये जो ये विशाल जी थे जो कि वीरांगना के ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया थे, इन्होंने जो काफ़ी चीज़ें बताई महिलाओं के बारे में, किस तरह सुरक्षा होगी और कैसे उनको। मैं मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ